बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। किसी तरह उनके दिमाग में जंगली जानवरों का डर बैठ जाए तो शायद वो यहां से चले। बीबी जी, वो शिकार करने गए। शिकार करने? मैंने कई बार कहा है कि जानवरों को मत मारिए, उनका श्राप बुरा होता है। तुम क्यों नहीं समझाते? मैं क्या समझाऊं बीबी जी, वो कहते हैं मर्दों का शौक है।
लक्ष्मी आखिर नहीं चाहिए मुझे आपका दिलासा। लक्ष्मी मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ हमारा मुन्ना जिंदा है वो हमें एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। वो आप कभी नहीं मिलेगा। लक्ष्मी मैंने पहले ही कहा था ये जिद छोड़ दो। हजारों साल पहले के पुराने मंदिर खोदकर देवताओं का क्रोध मत लो। मगर आपने मेरी एक न सुनी और ये उसी का नतीजा है कि हमारा हंसता खेलता मुन्ना हमसे छीन लिया गया। लक्ष्मी नाराज मत हो मंजिल तक पहुंचते पहुंचते हम अपने मुन्ने को तलाश कर ही लेंगे। अब आप किसी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। लक्ष्मी मैंने अपना बेटा खोया है अब अपना पति नहीं खोना चाहती। ये सब तुम्हारा वहम है लक्ष्मी। इतनी बड़ी हकीकत अगर आपको वहम नजर आती है तो सुन लीजिए आपने अगर उस मंदिर की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लक्ष्मी आखिर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती। ये मेरा फैसला है बच्चा तो आपने अपनी जिद पर कुर्बान कर दिया है। आप पत्नी को भी खो देना चाहते हैं तो जाइए उन मंदिरों की तरफ और देखिए मैं जो कुछ कह रही हूँ सच है या झूठ। लक्ष्मी वादा कीजिए आप उन मंदिरों की तरफ नहीं जाएंगे। नहीं लक्ष्मी नहीं मुन्ना के खो जाने के बाद अब मैं और गम नहीं सह सकता। हम लोग आज ही यहां से चले जाएंगे। सच लक्ष्मी सबर से काम लो। जिस मां का बच्चा खोया हो वो सबर से काम ले सकती है क्या। भगवान की दया दृष्टि चाहिए। वो बहुत बड़ा है उसकी फुलवाड़ी में अनेक फूल खिलते हैं। लक्ष्मी मुबारक हो लड़का हुआ। सच भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। लक्ष्मी कैसी तबीयत है। ठीक है। ये निशान देखा आपने बिल्कुल वैसा ही है जैसे राम के बाजू पे था। कहीं ये राम का दूसरा जन्म तो नहीं है। नहीं नहीं मेरा राम जिंदा है। ये तो राम का भाई लखन है। लखन तो थोड़े दिन हुए तुमने पैसे लिए थे क्या किए तुमने। डैडी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पैसे बिल्कुल टिकते ही नहीं है साफ हो जाते। लेकिन तुम्हें किस लिए चाहिए। हम कुछ दोस्त मिलकर छुट्टी मनाने जा रहे हैं। छुट्टी तो वो लोग मनाते हैं जो काम करते हैं। पहले काम करो बाद में छुट्टियां मनाना। डैडी मैं आपसे पैसे मांगने के लिए आया था एडवाइस नहीं। अगर तुम डैडी की नसीहत नहीं ले सकते तो तुम्हें पैसे मांगने का भी कोई हक नहीं। अरे लेकिन वो लोग मेरे बगैर। तुम्हारे डैडी ठीक कहते हैं आओ मेरे साथ।
उन्हें गुस्से से नहीं प्यार से समझाना चाहिए। कितने चाहिए? एक 500 रुपया दे दो। मेरे पास 300 ही है। 300 ही है? हाँ ठीक है, 300 भी चलेंगे। मेरी अच्छी मम्मी, बाय बाय। बाय बाय। क्यों माया, लाखन के साथ जाने का प्लान बना रही हो क्या? हा? अरे मेरी जान, हमारे साथ भी चलो, तुम्हें स्विट्जरलैंड की सैर कराऊंगा। गेट लॉस्ट, मैं तुम्हारे साथ इस लैंड पर भी खड़े रहना मंजूर नहीं करती। अच्छा, कहाँ तुम स्विट्जरलैंड की बात करते हो? क्यों माया, ये यहाँ क्या कर रहा है? He's boring me. चलो मिस्टर, जाओ यहाँ से। जाता हूँ जाता हूँ, देख लूंगा तुम्हें और तुम्हारी बुलबुल को। ए, चलो। अच्छा लाखन, any good news? हाँ हाँ, काम बन गया, अच्छे मिल गए, अब हम लोग आराम से। रूपचंद, मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूँ, उस खतरनाक जंगल में जाने का इरादा छोड़ दो। वहां के खतरनाक रास्ते मौत तक ले जाते हैं। जिंदगी के रास्ते भी इंसान को मौत तक ले जाते हैं। तुम फिक्र मत करो, वो नक्शा मुझे दे दो। मैंने कहा ना, वो नक्शा मैंने फाड़ कर फेंक दिया है, जिसने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। नक्शा फाड़ के फेंक दिया तो क्या हुआ अंकल, उसमें मैंने रास्ते तो याद होंगे आपको। और फिर सबकी किस्मत एक जैसी तो नहीं होती, हो सकता है खजाना हमारे नसीब में हो। रूपचंद, वहां के आदमखोर जंगलियों से बचकर निकलना नामुमकिन है। अगर ऐसा है तो मैं नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाऊंगा। अंकल चलो, बाहर पोपटलाल गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। हाँ चले। अच्छा, नमस्ते अंकल। नमस्ते। आप अपने नशे के मुताबिक सही जा रहे हैं ना? बिल्कुल, नहीं तो मुझे अपनी और अपने सब लोगों की जान खतरे में डालने की क्या जरूरत थी। यानी हमने जो अब तक अपना पैसा लगाया है, वो अब अपना रंग दिखाएगा ना? जरूर दिखाएगा, और ऐसा रंग दिखाएगा जिसका कुछ जवाब नहीं। अंकल भागो! Thank you.
अरे इसको बुला, बुला ना। अरे दूर दूर, अब जा जा जा, जा ना। तुमने मेरी जान बचाई, मुझे इतना ढेर सारा खाना खिलाया, थैंक यू वेरी मच। हाँ बाबा, क्या बोला, क्या बोला बाबा? अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ जाऊँ मैं? अरे उंगावा। क्या उंगावा? अच्छा तुम मुझे जंगल के बाहर ले आए हो, मैं नहीं जाऊंगी। उंगावा। हाँ? भगवान इस आलू को मैं कैसे समझाऊं? अच्छा बचाओ। कनापा, कनापा। अच्छा मारिला। नहीं मैं वहां नहीं आऊंगी, मैं यहीं सोऊंगी। मैं टीडोला। क्या टीडोला? क्या बोल रहे हो? अंगावा टीडोला। यहाँ सो जाओ इस पर। कौन है बे? जॉनी। जॉनी? जॉनी मेरा नाम। ठीक है लेकिन ये नहीं हो सकता। कौन है भाई तू? जॉनी, जॉनी साहब आइए मेरे पास, आइए आइए। माया का? माया? अरे माया मारवाड़ी के घर में होगी या उसके तिजोरी में, अपन तो कलगा आदमी है यार। शट अप, मैं माया देवी की बात कर रहा हूँ। कहा है वो? माया देवी की अभी बुलाता हूँ। माया देवी, माया देवी, माया देवी। ओ, क्या हुआ धर्म, क्यों चिल्ला रहे हो? लाखन का एक्सीडेंट हो गया। आप चलिए मेरे साथ, आपको बुलाया।
अच्छा तो धर्म, मैं इनके घर जाती हूँ। चलो चलो। जाओ जाओ जल्दी पूरा करो अपना कर्म। खबर नहीं लाया तो एक्सीडेंट। बंद हो अब अच्छी खबर भेजना। आप ठीक है ना? जानी ने कहा कि आपका एक्सीडेंट होगा, वो माया को भी साथ में लेके गया। अच्छा तो ये बहाना ढूंढ लिया है, एक्सीडेंट मेरा नहीं हुआ है लेकिन उसका होने वाला है। कर दो साले का एक्सीडेंट। मेरी उंगली का एक्सीडेंट हो गया। तेरा ही इंतजार कर रहा था बच्चे। बच्चा कौन है अभी मालूम पड़ेगा। अभी मालूम पड़ेगा। चले गया। चलो। ये लोग आपसे नक्शे के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने कह दिया ना, मैं नक्शे के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता। ओ जेंटलमैन, हमारा बात सुनो। हम आपको 5,00,000 रुपया ऐसे ही दे देता है, तुम हमको नक्शा देगा, हम जंगल में भटकेगा भटकेगा, न मालूम वो खजाना हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम आपको 5,00,000 रुपया रिस्क उठा के ऐसे ही देगा। अनमोल चीज का कोई मोल नहीं होता, आप लोग जा सकते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं आता अंकल, मेरा फैसला आता है। तुम इस ओल्ड मैन को समझा दो वरना पछताना पड़ेगा। मैं समझा लूं। ओके। नक्शा मिला? उसका बाप नहीं मानता। तुम चाहो तो लाखन को मना सकती हो नक्शा चुराने के लिए। वी कैन बिकम मिलियनर्स। सोच लो, तुम्हारा ही फायदा है। क्या बात है, बहुत सीरियस हो? मैं जानती थी तुम्हारी डैडी नहीं मानेंगे। वो तो मैं भी जानता था। तो चुरा क्यों नहीं लेते वो नक्शा? Don't be stupid. तुम क्या सोचती हो कि मालदार बनने के लिए मैं चोरी करूंगा? मत करो, मैं इंतजार करूंगी अपने अंकल के मरने का। क्यों? वसीयत में सब कुछ मेरे नाम लिखा है, जिस दिन सब मिल जाएगा मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मैं ऊपर? नहीं, कैसे आऊं ऊपर? मारिला। हमको भूख लगी है। उमावा भूख
पानी अलावा पानी लगता है इसे सब कुछ मुझे ही समझाना पड़ेगा। कैसे पिए? बालोस मैं नहीं नहीं मैं मेरा नाम मीना मीना तुम्हारा नहीं मेरा नाम मीना मीना तुम बनमानुष मैं नहीं तुम यहाँ का राजा मैं बनमानुष माया चाचा मर गए क्या? यही तो रोना है। ऑपरेशन कामयाब हो गया। अब ना हम लखपति बनेंगे ना हम दोनों की शादी होगी। लेकिन मैं तो आज भी तैयार हूँ। पहले लखपति तो बन जाओ बस। अरे लखपति बनने में क्या टाइम लगता है? कल भी बन सकते हो। वो नक्शा चुरा लो। माया नक्शा चुराने के लिए दोबारा मत कहना। बैरा एक स्कॉच लाओ। बैरा कुछ मत लाओ। क्यों? डार्लिंग आप पब्लिक में बैठ जाते हो अच्छा नहीं लगता। तो फिर कहाँ जाके बैठूं? जब तक अंकल हॉस्पिटल में है आप मेरे घर में पियो। तो चलो मिला है जीने को चार दिन।
सुराही में गुलाब की तरह नक्शा। तुम्हें मुझसे अलग रखता है, मैं अभी लेके आता हूं। बस तुमने वादा कर लिया, नक्शा मिल गया। ये नक्शा ले आए हैं। गुड, वेरी गुड। नक्शा दिखाइए हुजूर। पहले पैसे दिखाइए। पहले नक्शा दिखाइए। दीजिए नक्शा। नो हार्म इन दैट। लीजिए। ये हुई ना कुछ बात। यार अपने तो पल्ले कुछ नहीं पड़ता, पर ये लीजिए 5,000। मिस्टर रिचर्ड बाहर गए हुए हैं, इन चीजों की उन्हीं को समझ, कल तक आ जाएंगे। बाकी के रुपए आप उनके देखने के बाद ले लें। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय। ऊपर लाओ, ऊपर लाओ। अरे वो गिर जाएगा। नहीं गिरेगा। यप यप यप। मैं कहती हूँ वो गिर जाएगा।
नावा जाओ, हम यहाँ किसी को तकलीफ नहीं देंगे। नावा तुम जाओ। लेकिन हम लोग यहाँ कुछ पुरानी मंदिरों को तलाश में आए। मंदिर नहीं, जाओ। लेकिन क्यों, और आप कौन है? ये इस जंगल के राजा हैं। इनकी एक आवाज से सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं। इन्हें यहाँ किसी का आना जाना पसंद नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ शहर से आए हैं कुछ पुरानी मंदिरों को तलाश में। हम समझा, तुम जाओ। चले जाएंगे, इसी में भलाई है तुम्हारी। ठीक है, चलो। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। इस साले बनमानुष की वजह से करोड़ों का खजाना हाथ में आकर उंगलियों से फिसल रहा है। खत्म कर दो साले को। डोंट बी स्टूपिड। उसकी एक आवाज पे जंगल के सारे जानवर निकल पड़ते हैं। अगर हमने उसे मार डाला तो यहाँ से जाएंगे कैसे? उसे किसी तरकीब से यहाँ से हटाना चाहिए। गुड आइडिया। अगर उसके बच्चे को उठा के हम शहर ले गए तो वो उसे ढूंढने वहाँ जरूर आएगा। इससे क्या होगा? अरे हम वहाँ उसे काम पे लगाए रखेंगे। इन द मीन टाइम यहाँ हमारा काम चालू रहेगा। वी टेक द चाइल्ड। इट्स ऑल राइट। अरे इससे तो यहाँ के पोपट ज्यादा अच्छे बोलते हैं। बड़े बड़े पोपट हैं। अरे मेरा पोपट नहीं बहुत बड़ा। राजू, राजू,
अपने राजू को लोग शहर उठा के ले गए। क्यों? पता नहीं, वो लोग चाहते हैं कि हम शहर जाके राजू को वापस ले आए। शहर? हाँ। चलेंगे। लेकिन वहाँ तुम्हारा जंगल का कानून नहीं चलता, वहाँ अलग कानून है, पुलिस है। पुलिस? हाँ पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर? ओहो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, जैसा मैं बोलूँ वैसा करना। करूँगा। थोड़ा सोना लेके चलेंगे। हाँ अच्छा। चलो। सुनो फ्रेंड, मैं कल एक जरूरी काम के लिए लंदन फ्लाई कर रहा हूँ और तुम लोग मेरी गैर हाजिरी में बच्चे का पूरी पूरी ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहिए। और वो बनमनुष बच्चे को तलाश करने के लिए जरूर शहर आएगा। जैसे वो शहर में पहुंचेगा, तुम दोनों जंगल में पहुंचकर खुदाई का काम शुरू कर देना। समझ गए? ओके बॉस। और लखन, तुम किसी न किसी तरह से उसको शहर में रोक के रखना। मैं उसे ऐसे चक्कर में डालूंगा कि वो भी याद रखेगा। शाबाश। और मैं लंदन से काम खत्म करके सीधा खजाना वाला मुकाम पर पहुंच जाऊंगा। ओके बॉस। वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। अब तो हमें कपड़े पहनने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये भी इसी तरह हमारे पीछे लगी रहेगी, समझे? चलो चलो किसी दुकान में। इधर इधर। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? अरे अरे अरे, आप घबराइए मत, हम दोनों के लिए कुछ सिले सिलाए कपड़े चाहिए। जी जी जी, आपके लिए तो हो जाएगा, मगर इस किंग कांग के लिए जरा मुश्किल पड़ेगा। देखिए, आप अपनी दुकान का सबसे बड़ा साइज इन पर ट्राई कीजिए। वही करता हूँ। देखिए, आप वहाँ अपने नाप कपड़े लेकर वो ट्रायल रूम में जाइए, इनके लिए मैं कोशिश करता हूँ। हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, वहां क्या देख रहे हो? ए भाई, बाबा लो इसे पहन के देखो। अरे बड़े भाई, ये लुंगी नहीं है, उंगावा। ओ मैम साहब, इन्हें आपको खुद ही पहनाना पड़ेगा, इन्हें पहनना नहीं आता। अरे ये लुंगी नहीं है भाई, इधर लाओ। उंगावा घूम जाओ। अरे घूम जाओ भाई, घूम जाओ। हाँ, उंगावा हाथ डालो। ये बिल्कुल फिट रहेगी। हाँ क्या बात, वाह 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 वाह। हो गया कबाड़ा। ए भाई, ओ भाई, अरे इसे उतार दो, उतार दो भाई, उतार दो, उतारो। रहने दो। माधो, अरे इनका नाप लेना पड़ेगा भाई। जाओ जाओ, अपना काम करो, जाओ। लिखो 50। हाँ ये लिखो 40। झुको। हाँ शाबाश, ऐसे झुको और झुको। अरे 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 भाई छोड़ो भाई, अरे भाई मुझे क्या उठा रहे हैं, छोड़ो। अरे छोड़ो, लिखो 20। अच्छा हाथ फैलाओ, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। हाँ शाबाश शाबाश, ये
उंगावा, अरे टेप ही खत्म हो गया उंगावा क्या भाई? अरे माधव, अरे भाई इससे काम नहीं चलेगा। वो जो मार्कोनी पहलवान के लिए जुड़ा सलवार था ना, वो ले आओ, शायद तो सही काम चल जाए। जाओ जल्दी जाओ। आता है आता है आता है। अरे अभी तक इनके लिए कपड़े नहीं मिले जी। एक जोड़ा और मंगाया है, शायद वो फिट आ जाए। मगर मैडम ये कोई जबान नहीं समझते, कौन से देश के रहने वाले हैं? जंगल के। जंगल के? दरअसल जंगल से हम लोग अपने बेटे को ढूंढने आए हुए हैं। ओ, तो आपका बेटा भाग कर आया है? कितने रुपए लेकर भागा है? वो बहुत छोटा है, उसे कुछ गुंडे उठा कर ले आए हैं। ओहो, अब समझा। तो आपने गुंडों को ढूंढने के लिए अपना भेद बदला है, मगर इनके चेहरे का हुजर ही बदलिए, वरना आपको मुश्किल पड़ जाएगी। वो अंदर नाई की दुकान है, वहां बोल जाइए जब तक मैं कपड़े निकालता हूँ। लेकिन आप अपने कपड़ों के पैसे तो ले लीजिए। वो पैसे भी मिल जाएंगे, कहाँ भागे जाते हैं। आप ले जाइए उनको, पहले जाइए। चु 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 जा अपनी टॉर्च को ले। जिंग 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 जिंग। वाह बेटे, ठंडी ठंडी हवा खा रहा है, ले गर्मा गर्म बगैर दाल के भात खा। हाँ दोस्तों। अबे वो कहाँ जाएंगे बे? वो तो अभी नहीं, 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 अभी नहीं। नमस्ते अंकल। नमस्ते। अरे मीना बेटी तुम आओ आओ। हाँ कहाँ थी इतने दिन? बस अंकल कुछ मत पूछिए, बड़ी परेशानी में थी। क्यों, क्या हुआ? आपने जो कहा था वही हुआ, वहाँ हमें आदमखोर जंगलियों ने खेद दिया। मैं तो किसी तरह बच निकली, लेकिन अंकल मारे गए। पागल ने मेरी बात नहीं मानी, और मानता भी कैसे जबकि उसके ऊपर दौलत का भूत सवार हो, वही उसे खा गया। भाई दीवे, तुम रहती कहाँ हो बेटी? उसे जंगल को अपना बसेरा बना लिया है, यहाँ आकर करती भी क्या? क्या तुम उस जंगल में अकेली रहती हो? जी नहीं, अपने पति के साथ रहती हूँ। पति? जी, ये एक छोटा सा संसार बसाया था, लेकिन दुनिया वालों से वो भी न देखा गया। कुछ लोग हमारे बच्चे को उठा कर लाए हैं, हम उसी की तलाश में यहाँ आए हैं। अंकल, आपने वो नक्शा किसी और को तो नहीं दिया था ना? नहीं बेटी, मैंने किसी को नहीं दिया। भला रूप से बढ़कर मेरे लिए कोई और हो सकता है? अच्छा अंकल, अब हम चलते हैं। मीना बेटी, जब तक तुम्हारे बच्चे का पता नहीं चलता, तुम इस घर में आराम से रह सकती हो। अंकल, जब तक हमें हमारे बच्चे का पता नहीं चल जाता, हमें आराम कहाँ? फिर आऊंगी। उठो, चलना है। ये लोग तो पिंजरे में बंद है। तो क्या हुआ, रहने दो। मैंने छुड़ाता हूँ। नहीं, तुम्हें मत छुड़ाओ। क्यों? ये लोग यही रहते हैं, इनका घर है ये। ये लोग पिंजरे में रहते हैं? हाँ। कैसे है तुम्हारे शहर के लोग पिंजरे में बंद रहते हैं? हम तो जंगल में जानवर को पिंजरे में बंद नहीं होने देते। हर बात में तुम्हारा जंगल। चलो। तो जंगल अच्छा नहीं? बहुत अच्छा। चलो। की गल है? की गल है जी? क्या बकवास कर रहा है? चंगी गल है। जाओ ग्लास पानी ले आओ। Thank you.
चले चलो, टकरा के मर जाएगा साला। हाल में होंगे, कहाँ होंगे? चिंता मत कीजिए, भगवान बहुत बड़ा है। वो तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े शहर में मैं उन्हें अकेले कहाँ ढूंढूंगी? उनको मेरी दुकान का पता है ना, तो वो सीधे इधर ही आएंगे, समझे आप? वो लीजिए, वो आ गए। क्या हुआ, बच्चे का पता चला? नहीं, वो गुंडा भाग गया। ऐसे पता नहीं चलेगा। सुनिए, मेरा भाई एक वकील है, आप जाकर उनसे मिलिए, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। ये लीजिए उनका कार्ड। थैंक यू। नमस्ते। ये तो वही है। तुम यहाँ? घबराओ मत, मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, वो मेरा भाई है रामलाल। तो तुम कौन हो? रामलाल। देखिए, हमारे बच्चे को कुछ गुंडे जंगल से उठाकर ले आए हैं, और वो इसी शहर में है, हम उसी की तलाश में आए हुए हैं। हाँ, समझ गया समझ गया। आपका नाम? बनमानुष। बनमानुष, ये क्या नाम है? आप मजाक तो नहीं कर रही? इनका यही नाम है। हाँ, बनमानुष। रिलिजन? वो क्या? मजहब? वो क्या? ओ, ये भी समझ नहीं आया? अरे भाई, जात जात जात, मुझे भी नहीं समझे, अब इन्हें कैसे समझाऊं? देखिए, वो जो है ये मुसलमान है, आदमी है। और वो जो है वो हिंदू है, ये भी आदमी है। फिर यहाँ क्या लिखूं? आप इनकी जात लिखिए, इंसान। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इंसान। इस काम के लिए आपको कुछ पेशगी देनी पड़ेगी, आई मीन एडवांस। ये पैसे की बात कर रहे हैं। वाह 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 वाह, ये तो असली सोना है। हमारे पास पैसे नहीं है, यही है। कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। और है? बाकी बच्चा मिलने के बाद? बच्चा मिलने के बाद मैं आपको खबर कर दूंगा। शेख, हाथ मिलाओ। धीरे से। जैसा नाम वैसा काम, बनमानुष। सोना ले गए। रुक जाओ। ए!
भाग गए। अरे सोना भी तो ले गए, पैसे के बगैर हम क्या करेंगे? मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। कौन है आप? मैं पहलवानों का मैनेजर हूँ और कुश्तियाँ लड़वाता हूँ। अगर आप कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो मैं आपको 3,000 दिलवा सकता हूँ। हाँ लड़ेंगे। आइए। गरम गरम मिठाई पीने जी गरम गरम। साहब पहले चाय दूं या पेपर? साहब साहब बनमानुष आ गया, बनमानुष शहर में आ गया। ये तो आ गया शहर में, अब खजाना मिल जाएगा। जरूर मिलेगा साहब। लेकिन इसको यहाँ काम पे लगा के रखना पड़ेगा। रखेंगे साहब। लेकिन अब बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल ख्याल रखूंगा। समझे? अब बिल्कुल बच्चे का ख्याल रखूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। हमारे राइट में है चैलेंजर बनमानुष और हमारे लेफ्ट में है चैंपियन पहलवान कुमारी। आप देखा पहलवान तुम अपना हाथ इस जमीन को पकड़ कर लिया है। संभाल, हाथ बहुत पकड़ा है। कमाल कर दिया आपने, ये लीजिए आपके इनाम के रुपए। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप हमें इसी तरह कोऑपरेट करते रहे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक दिन आपको माला माल कर दूंगा। अरे ये फाइट तो इन्होंने मजबूरी में की है, वरना हमारी खुशी तो अल्लाह निरंजन, इनकी खुशी तो औलाद में है बच्चा, औलाद में है। औलाद में? हाँ, हम जानते हैं, जंगल से कुछ गुंडे इनके बच्चे को उठा कर ले आए हैं, ये उसी की तलाश में आए हुए हैं। धन्य है आप महाराज,
क्या आप हमें बता सकते हैं इस वक्त हमारा बच्चा कहाँ है? अवश्य अवश्य, सुबह ट्रेन पकड़ के बरौली पहुंच जाओ, वहाँ किसी से भी पूछ लेना कि पुराना खंडर कहाँ है, तुम्हारा बच्चा तुम्हें वहाँ मिल जाएगा। पुराना खंडर? शहर में नया खंडर भी होता है। अरे बच्चा, उस जगह का नाम है पुराना खंडर। हाँ। फौरन पहुँच जाओ। चलो चलो। महाराज मेरा भी कल्याण कर दीजिए। अरे फूटो फूटो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, मेरा काम तो इनसे था। जाओ चले आते हैं कीड़े मकोड़े। गए लेकिन अपना मुन्ना कहाँ मिला? लगता है उन्हीं बदमाशों के आदमी थे, इनमें से एक आदमी को पकड़ लेना चाहिए था। फिर पकड़ लेंगे, आओ। ए सर, ए नाश्ता। ये क्या है? मुझे नहाना धोना है। सुनो, नहा लो, धोना मत। बड़ी देर होगी, थोड़ा पानी पिला दो बाबा। चल बे, पानी नहीं है। अरे इसको पानी पिला देना। साबिन के लिए पानी नहीं है। पानी नहीं है? नहीं तो ये पी ले। भगवान आपका भला करेगा साहब। साहब इसका पैसा कौन देगा? अरे बाबा हम दे देंगे, जा। सर क्या फिर भाग गया क्या? यस सर। उसके हड्डी पसली तोड़ के किसी गटर में क्यों फेंक देते? नहीं, हमको पुलिस की नजर में नहीं आना है, लेकिन उसको पुलिस स्टेशन में बंद करवा सकते हैं। वो कैसे? सुनो, वफीम है ना? यस। उसकी एक पोटली बना के बंद मानुष के हाथ में थमा दो। ओके बॉस। लेकिन इस तरह के पुलिस को भी मालूम पड़ जाए। ओके। उसको नहीं पकड़ा जाएगा। ओह लवली। कहीं भी नहीं दिखता, कहाँ कहाँ ढूंढा, ढूंढ ढूंढ के थक गए हम लोग, कहीं भी नहीं इसका पता चलता है। उनमें से एक भी दिख जाए, खुशबू भी आ जाए तो पकड़ूं सालों को। शहर में आके तुम भी गाली देना सीख गए हो। ये रखो अपने पास। ये क्या देखी गया? कुछ खाने की चीज होगी। हाँ? खाने की चीज? ए, ये क्या है? तुम काय को पूछता है? हमको नहीं मालूम, वो आदमी देखी गया। सारा तुम अफीम का धंधा करता है, गाली देता है। ए, पुलिस है। हाँ। क्या है? तुमको पुलिस स्टेशन चलना होगा। ठीक है, तुम इससे बात करो, चलते हैं। हाँ चलो चलो। हाँ। क्योंकि अफीम का धंधा गैर कानूनी है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब आप तो जानते हैं हम अपने बच्चे की तलाश। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, मैं जानता हूँ किसी की शरारत है, इसलिए आप दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। थैंक यू। ये सब क्या है? ये चोरी का माल है, वो जो आदमी हमें ये दे गया था ना वो चोर था। ओह ये बात है। मैं उसे पकड़ सकता हूँ। तुम जानते हो कौन है? जानता नहीं हूँ, मगर उसे यहाँ ला सकता हूँ। तुम यही रहना। ये अफीम क्यों सूंघ रहे थे? हा? ये अफीम नहीं, उस आदमी की महक सूंघ रहे थे। Wow.
अरे कौन? अरे कहाँ लेके जा रही है बे? कहाँ लेके जा रही है? ये लो। ये सब क्या है? आपका चोर। हवलदार ले जाओ इसे और बंद कर दो। अच्छा। देखा इंस्पेक्टर साहब, सूंघने का नतीजा। नमस्ते। नमस्ते। ये तो बड़े काम का आदमी। क्या लाऊं सर? क्या पियो? कोक। एक कोक और एक बियर। यस सर। सर अब क्या हुआ? उसके हाथ में अफीम थी और वो हमारे अड्डे तक पहुंच गया। सारी अफीम पुलिस के कब्जे में आ गई और हमारे आदमी भी। यू फूल, लेकिन वो हमारे अड्डे तक पहुंचे कैसे? सुन सुन कर। सुन सुन के? बिल्कुल जंगली जानवर है सर, सुनते सुनते कहीं भी पहुंच सकता है। सुनते सुनते अगर उस लड़के तक पहुंच गया तो ठीक है, मैं आज ही उस लड़के को अपने घर ले जाता हूँ। आ गया मुन्ना, वो आज आता ही होगा। तू उसे ऐसा मुझे चगाना तो जिंदगी भर याद रखे। मेरे लाल, मेरे तू छुपाए कहाँ, खाना ठंडा होता यहाँ। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जमीन पर नहीं बैठते। जमीन पर क्यों बैठा बे? तेरा बंदोबस्त कर रहा था। बहुत अच्छे, ये ले। साहब इस लड़के ने सांप बुला लिया। इसने सांप बुला लिया? आओ देखते हैं। चल चल चलो साहब, चलो चल चलो साहब, संभल के चलो साहब। मेरी तो कड़ी पतली हो गई साहब। साहब अबे तूने यहाँ कोई सांप देखा है? सांप यहाँ कहाँ है? सांप ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है। अरे छोटा बच्चा सांप को कहाँ से बुलाएगा? नहीं साहब, ये छोटा बच्चा नहीं, ये तो मेरा बाप है, बड़ा भारी जादूगर है। बता सांप कहाँ है? बता सांप कहाँ है? चुप, मुझे तो ख्वाब में भी सांप नजर आते हैं। नहीं साहब, इतने बड़े बंगले में सांप कहाँ से हो सकता? नहीं हो सकता साहब। बाहर का दरवाजा बराबर बंद किया है? बिल्कुल बंद कर दिया साहब, अब ये नहीं भाग सकता। तो चलो फिर। चलो। ये क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। जो मैंगो जूस मंगवाया था वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? वो क्या होता है? आम का रस। उसका सीजन नहीं है। सीजन नहीं है? और मम्मी ने जो 5 लीटर दूध मंगवाया था उसका क्या हुआ? अरे तुम्हारी मम्मी 5 लीटर का नाश्ता करे या 2 लीटर का, काम तो तेरे को करना है ना। ये रही आपकी विक, मुझे काम नहीं करना। ओ मेरा गोड़ा। देवी जी रुक जाओ, देवी जी रुक जाओ, मेरे शो का क्या होगा? मेरी माँ को दूध नहीं मिला, मैं काम नहीं करूंगी। अरे तेरी माँ के लिए भैंसों का तबेला बांधूंगा माय डियर, मेरा शो तो होने दे आज का। मैं काम नहीं करूंगी। अरे मेरा गोटा। वो तो गई गई। मैं प्रोग्राम शुरू करूँ? आपको कितना मैंगो जूस और आपकी माँ को कितने लीटर दूध चाहिए? जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ को भी कुछ नहीं चाहिए। मैं प्रोग्राम शुरू करूँ? आपको आता है? सब कुछ आता है। अरे इधर आइए, उधर कहाँ जा रही है? नहीं उधर उधर उधर। Thank you.
रंग भी उड़ा उड़ा है, कदम भी रुके रुके, कैसे करेंगे प्यार ये नैना झुके झुके। उठाए मैंने नैना तो आर पार होंगे, तुम भी एक नहीं सब निसार होंगे। उठाए मैंने नैना तो आर पार होंगे, तुम भी एक नहीं सब निसार होंगे। उठाए मैंने नैना तो आर पार होंगे, तुम भी एक नहीं सब निसार होंगे। हम जिसको दिल दे दे उसी के यार होंगे, तुम्हारी तरह तो हजार होंगे। हम जिसको दिल दे दे उसी के यार होंगे, तुम्हारी तरह तो हजार होंगे। हम जिसको दिल दे दे उसी के यार होंगे, तुम्हारी तरह तो हजार होंगे। तुम्हारी तरह तो हजार होंगे। यकीन है दिल भर जिनके बालों में फूल खिलते हैं, हो नहीं सकते उनके दिल पत्थर, हो नहीं सकते उनके दिल पत्थर, हो नहीं सकते उनके दिल पत्थर। आज फिर तेरा प्यार मांगा है, एक जरा सा करार मांगा है, फिर वही इंतजार मांगा है, फिर तेरा एतबार मांगा है, दर्द का राजदार मांगा है, दिल का आईनादार मांगा है, जिनको जन्नत का शौक है मांगे। हमने अल्लाह से यार मांगा है, हमने अल्लाह से यार मांगा है, हमने अल्लाह से यार मांगा है। सब कुछ खुदा से मांग लिया तुमको, मांग के उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हमने अल्लाह से यार मांगा है, हमने अल्लाह से यार मांगा है। दिल चाहे टूटे पड़ेंगे हम ना झूठे,
तुम्हारे लिए बेकरार होंगे। ये दिल चाहे टूटे पढ़ेंगे हम न झूठे, तुम्हारे लिए बेकरार होंगे। ये दिल चाहे टूटे पढ़ेंगे हम न झूठे, तुम्हारे लिए बेकरार होंगे। उसी के यार होंगे। मैडम थैंक यू, अगर आज तुम नहीं आती ना मेरा कबाड़ा ही हो जाता। आपका कबाड़ा होने से तो बच गया, लेकिन अब मेरा कबाड़ा होने वाला है। क्यों, क्या हुआ? बाहर कुछ गुंडे खड़े हैं, वो मेरा बहुत देर से पीछा कर रहे हैं, मैं बाहर कैसे निकलूंगी? तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? मैडम मैं ट्रामा कंपनी का मालिक ऐसे नहीं बन गया, मैं तुम्हारा ऐसा हुलिया चेंज करूंगा उनका बाप तक नहीं पहचान सकता तेरे को। नहीं नहीं, उनका बाप मुझे नहीं पहचानता। अरे मेरा मतलब तुम अपने आप को नहीं पहचान सकती। अच्छा। तुम दो मिनट ठहरो, मैं अब भी आया। अब मेरा गोटा प्लीज। आए आओ, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? जी शौक से कीजिए। खाले खाले, अरे कहाँ छुप गया मेरे मुसीबत के पेटा रे? जरा सामने तो आओ चलिए, यू छुप छुप छुपने में क्या राज है? आई यहाँ पर भी नहीं, तो कहाँ छुप गया? अरे जरा सामने आ जा मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म रोटी लाया हूँ, खा ले मेरे बच्चे। अब रात तेरे की टोपी में डाल मार लगे, अब तू खा रहा है मुझे खा लिया, अबे अब नहीं सुनूँगा, अब रात तू क्या जाने दे मुझे, अबे 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 कहाँ जाता है? छोड़ दे मुझे, जाने दे। अब की शराब की तो तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। आने दे, मैं बाप को तुझे जिंदगी भर खाना नहीं मिलेगा। अरे पकड़ लो चाक, बाप मरेंगे भाई बटेंगे, भाग अरे भाग। कमबख्तों ने जरूर मेरे बच्चे का मुंह बांध के रखा होगा। गलती जी पाने की थी, बचेगा नहीं। हाँ, जख्मी को हाथ लगाना, लफड़ में फंसना एक बराबर है। हर रोज कोरट का मुंह देखो। हाँ, हटो हटो, क्या जो अरे ये कौन है? इसका तो इलाज करना चाहिए। पुलिस अभी तक नहीं आई, पुलिस इलाज करती है। उफ, नहीं यहाँ कोई हॉस्पिटल है? आओ सामने, तो ले चलो। पुलिस केस है। उफ, आप लोग पढ़े लिखे हैं, हॉस्पिटल के सामने एक बच्चा मर रहा है, आप उसे अंदर नहीं ले जा सकते। देख के नहीं चलते ना। सब ये फंसेगा लफड़े में। तुम ठीक कहते हो मियाँ। कौन है ये? एक बच्चा जिसका एक्सीडेंट हो गया है। कैसे हुआ ये सब हमें नहीं मालूम, आप डॉक्टर को बुलाइए। तुम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट किया? पुलिस में रिपोर्ट तो होती रहेगी, पहले इसकी जान तो बचे। पहले पुलिस कार्रवाई होगी फिर इसका इलाज किया जाएगा। अरे तब तक ये मर गया था, तो फिर इसकी बदकिस्मत होगी? बदकिस्मती इसकी नहीं, तुम्हारी। डॉक्टर क्या पुलिस कार्रवाई का बच्चा? क्या हुआ तुम्हें? मेरा हाथ गंदा हो गया, देखता हूँ। नहीं
पहले इसका इलाज होगा। अरे ये बच्चा किसका है? देखो डॉक्टर, मुझे बच्चा। अरे चुप, हमें नहीं मालूम डॉक्टर साहब किसका बच्चा है। बाहर सड़क पे पड़ा मिला था, हम उसे इलाज के लिए यहाँ ले आए। पुलिस कार्रवाई तक ही मर जाएगा। पहले इसे सरकारी अस्पताल लेके जाइए या पुलिस कार्रवाई कीजिए। ओ पुलिस कार्रवाई वाले, अगर तूने बच्चे का इलाज नहीं किया तो इसकी तरह तेरा भी हाथ लंबा कर दूंगा। करता हूँ करता हूँ, लेकिन याद रखना तुझे भी हवाला क्यावा खिला के रहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर शर्मा है, शर्मा। बहुत अच्छा नाम है। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, आजा प्यारे। साहब साहब साहब, दांत में दर्द है क्या? देखा जाएगा देखा जाएगा। साहब डॉक्टर को बुलाऊं? चुप, मैं प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस किस चीज की? विलन बनने की। विलन बनने की? अगर खजाना अपने को नहीं मिला तो मैं फिल्मों में विलन बन जाऊंगा। आजकल विलनों की निकल पड़ी है। चुप, क्यों हंस रहा था? अरे साहब, मैं आपके आइडिया पे नहीं हंस रहा था, मैं तो इसलिए हंस रहा था कि आप विलन मत बनिए। अगर आप विलन बन गए तो विलन बहुत खराब आदमी होता है। आप हीरो बनिए और मैं आपका चमचा कॉमेडियन बनूंगा, मामला फिट। यानी कि आप एक्टिंग करें? तो उसमें क्या शक है। आप मेरा एग्जाम्पल लीजिए, मैं अभी आपको शो दिखाता हूँ। बताओ। मिसाल के तौर पर देवानंद किसी होटल का वेटर है, अब वो कैसे बोलेगा, आइए आइए मैम साहब, हमारी होटल में हर किस्म की चीजें मिलती है, क्या खाएंगे आप? कोफ्ता, कलेजी, चिकन, ठीका 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 ठीका। अब ओम प्रकाश, आइए आइए बेबी जी, हमारी होटल में हर प्रकार की चीजें मिलती है, क्या खाएंगे आप? ये ओम प्रकाश। अब राज कपूर, आइए आइए बेबी जी, हमारी होटल में हर किस्म की चीजें मिलती हैं जी, बैठिए मैं भी आता हूँ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बैठ चुप। ये ओम प्रकाश, देवानंद, राज कपूर तो आ गए, आप कहाँ हैं? मैं कहाँ, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ, गर्मा गर्म गर्मा। सुनो साहब, लेकिन आइडिया मत बदलिएगा। नहीं बदलते। फाइनेंस की तो फिक्र ही मत कीजिए, खजाना तो मिलने ही वाला है। खजाना मिल जाएगा तो काम क्यों करेंगे? काम क्यों करेंगे? जल्दी शूटिंग करता था। बगैर कैमरे के शूटिंग होती है? कैमरा आउटफील्ड था सब, फील्ड में कैमरा कैसे आएगा? ले जाओ इसको, बंद कर दो। हेलो, मैं जगदीप बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, फिल्म एक्टर जगदीप। हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं? क्योंकि वो जो बच्चा है ना, वो मेरा भाई है। वो लड़का आपका भाई है? बर्मानुष की बीवी भी मेरे साथ है। अच्छा अच्छा, वो भी बेचारा निर्दोष है। ओ अच्छा अच्छा, तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। थैंक यू जी। 302 अरे साहब, उस बर्मानुष को ले आओ। आओ बर्मानुष, आपने उस बच्चे की जान बचाकर बहुत अच्छा काम किया, अब आप जा सकते हैं। जा सकते हैं? तुम सर्कस वाला? नहीं, पुलिस वाला। बंद सर्कस वाला करता, तुमने मुझे बंद किया। मैं मजबूर था, ये मेरी ड्यूटी है। वो है ना डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर कहाँ है वो? क्यों? मुझे भी अपना काम करना है। क्या? उसका भी हाथ लंबा करना है। अरे अरे बिगड़ो नहीं भाई, आप अपना काम करिए, वो अपना काम करेंगे, अब आप जा सकते हैं। जा सकते हैं? या? उठो, अजीब आदमी, पुलिस स्टेशन को भी सर्कस बना लिया। हफ्ते हो गए, न जाने हमारा मुन्ना किस हाल में होगा। दर्पणा को मार रहा है। चाल बता रतन भाई, नाच करके बता जरा बराबर से, चाल बता नाच करके दिखा, चला नाच बता जरा सा, नाच करके दिखा, लाठी मार के बता बराबर से, लाठी मार के बता, जम करके बता बराबर से, चलो जम के मारेगा बराबर से, चाल बता लेना रतन भाई जरा, जम करके बता, चलो जल्दी बराबर से, चाल बता रतन भाई, जम करके बता, चलो
पाली करो। अब तुम्हें पालने की जरूरत नहीं। अब इस मुसीबत का क्या करोगे? इसे आजाद करूंगा। आजाद करूंगा। जी सुनिए। कौन हो तुम, दर्जी या वकील? ना दर्जी ना वकील, उन दोनों का भाई जासूस झामलाल। झूठ, एक जैसे तो तीन उल्लू भी नहीं होते। अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की तो हम तुम्हारी जान निकाल लेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारे जैसे तुम हो कितने? हम तीन भाई हैं, एक माँ एक बाप। माँ मर गई, बाप अभी तक जिंदा है, वो कहीं खो गया। मतलब ये तुम्हारा बाप जिंदा है और तुम उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाए एक जासूस होते हुए, तो तुम हमारे बच्चे को क्या ढूंढोगे? चलो, अरे अरे सुनिए सुनिए तो। ओहो, आप समझते क्यों नहीं, बाप को तो मैंने इसलिए नहीं ढूंढा कि उसे खिलाना पिलाना पड़ेगा, उसे तो देना ही देना है और आपसे लेना ही लेना है। एक काम करो, पहले अपने बाप को ढूंढो, बाद में हमारे बच्चे को। नहीं नहीं, इनसे नहीं ढूंढवाना है, इनकी मेहरबानी से तो हमारा मिलता हुआ बच्चा भी खो जाएगा। चलो सुनिए सुनिए सुनिए, चुप सुनिए तो। मिले तो वो भी चले गए, ना जाने किसका मुंह सुबह सुबह देख रहा था, अपना ही देख रहा था। कुत्ते ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा? कुत्ते ने तुम्हारे बच्चे को उठाया? तो फिर कुत्ते का नाम बदनाम मत करो, आदमी बोलो चलो। आप कौन हैं? किससे मिलना है? जी हम अपने बेटे। ये तो वही है। हाँ, उन तीन बेटों का बाप। चुप 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 चुप, मैं वही हूँ जो तुम समझ रहे हो, उन तीन नाराज बेटों का बाप। लेकिन तुम्हारा मालिक है ये। आप ठीक कहते हैं, हुलिया मालिक है, लेकिन असली बंगले का मालिक मैं हूँ। आप अपने बेटों के पास क्यों नहीं चले जाते? अजी उनसे छुप कर ही तो यहाँ बैठा हूँ। जी हाँ सुनिए, अगर उनको मालूम हो गया कि मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरा खाना पीना हराम कर देंगे। जी हाँ, अगर उन उल्लुओं को मालूम हो गया कि मैं इस बंगले में अकेला रहता हूँ तो सुनिए, अपना बोरिया बिचरा लपेट के आएंगे और मेरे माल का सफाया कर देंगे। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें मत कहिए कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, उन्हें पता चलते ही वो अपना सारा कुर्मा लेकर यहाँ आ जाएंगे। कैसा आदमी है? आप चाय नहीं पिएंगे? नहीं चाहिए तुम्हारी चाय। जूस, मक्खी जूस। अजी चाय, चाय। चलो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ पैसे बचे। ये क्या, एक को चार मारे हैं। अरे मारने दो, तुम्हें क्या लेना देना है, चलो। नहीं, एक को चार मारे हैं। अरे कट कट कट। ओहो, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी मदद। अरे मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। कमाल आदमी हो, चार आदमी तुम पीट रहे हैं और तुम कहते हो मदद नहीं चाहिए। ओहो, तुम समझते क्यों नहीं यार? नॉन्स, ये सब क्या हो रहा है? माय गॉड। ए भाई मास्टर, ए मिस्टर, तुम ये क्या कर रहे हो? इसकी मदद कर रहा हूँ। मदद? अरे ये हिंदी पिक्चर का हीरो है तो किसी की मदद की जरूरत नहीं। हीरो? अरे लाख रुपए की छोड़कर कचरा कर दिया। ओहो, फिक्र मत करो यार, इसमें कुछ मालूम नहीं है। अरे अरे, हटो हटो, जाने दो, देखिए इन्हें कुछ मालूम नहीं है, ये जंगल से, ये बाहर से आए हुए हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है, माफ कीजिएगा। आओ चलो, इन्हें काम करने दो। ये कैसा काम है, एक आदमी को चार पीट रहा। अरे बाबा, यही काम है, आओ चलो। नॉनसेंस। अरे भाई, मेरी टोपी किधर है? हाँ जी, कहाँ पटकू? पटकू? अब एक कबूतर के बच्चे मैं खुद पटक सकता हूँ, सारा मूड ऑफ कर दिया बार वाले का देने। माल तो दिया नहीं है, फिर शूटिंग करनी है कि मैं जाऊँ? हाँ भाई, करनी है करनी है करनी। अरे भाई, फिर से शॉट अरेंज करो। पहला जब आया था तो हाथ पांव जोड़ता था, अब झट से आके बदल गया। इस फिल्म लाइन का बाबा आदमी ने डाला है। रेडी रेडी, जल्दी करो। फिर निकल गया, लगता है ये बनमानु सारा प्लान फ्लो करवाएगा। उसे किसी न किसी तरह से अपनी कैद में लेना ही पड़ेगा। वो सूंघते सूंघते हर जगह पहुंच जाता है, बिल्कुल जंगली जानवर की तरह। तो फिर सूंघा दो उसको। लेकिन क्या? पॉइंट नंबर पांच। Thank you.
क्यों? जी वो कोई चोर लगता है, मेरा सारा माल लेकर भाग गया। तुम उनको जानता? जी वो कोई चोर लगता है। चोर? हाँ। ये क्या है? उसका रुमाल है। तब तो उसे पकड़ लेगा। कैसे? इसे सूंघ कर। सूंघो। अब तो बाप हाथ आ गया है, इसका क्या करना है? मतलब? इसकी क्या जरूरत है अब? खत्म कर दो साले को। इस बेचारे को? बहुत हमदर्दी हो रही है इससे। हाँ मोनल, किसी का मर्डर करना हमारा काम नहीं। और अगर इसने फिर से सांप बुला लिए तो? मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगा और प्यार से समझाऊंगा कि ये शरारत नहीं करे। तुम क्या इसके चाचा लगते हो जो ये तुम्हारी बात मान जाएगा? जो भी समझ लो, सफर की तैयारी करो, मैं इस बच्चे को लेकर घर जाता हूं। अरे ये किसका बच्चा है? कुछ गुंडे इसको उठाकर ले आए, मैं इसको बचा के ले आया। बहुत ने काम किया। जब तक इसके माँ बाप का पता नहीं चले ये अपने पास ही रहेगा। जरूर, लेकिन जल्दी इसके माँ बाप का पता लगाना, बेचारे बहुत परेशान होंगे। वो मैं लगा लूंगा, आप इसको संभालिए। जरूर, चलो बेटे चलो। डोंट वरी, मैं आज बच्चे को ये कर यहाँ से चल पड़ूंगा। और लाखन? लाखन अभी बच्चा है, उसे मालूम होने से पहले हम ये मूर्ति लेकर हिंदुस्तान से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन वो बच्चा है कहाँ? वो बच्चा लाखन के घर में है। चलो चलो। तुम लोग लाखन को धोखा देकर जाना चाहते हो? ये लो लाखन का खास चमचा आया है। अरे चमचे तो तुम लोग भी हो, लेकिन फर्क इतना है कि मैंने उसका नमक खाया है। तो ये ले बेटा, अब गोली। हेलो हेलो, व्हाट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे मीना, तुम यहाँ कैसे? मैं आप ही से मिलने आई थी। क्यों, क्या बात है? दो तीन दिन से उनका कुछ पता नहीं है। वो जिसने मेरे भाई की जान बचाई थी, क्या हुआ उन्हें? लगता है किसी मुसीबत में पड़ गए हैं। मुसीबत में पड़ गए? कोई बात नहीं, वो तुम्हारी आवाज तो पहचानते हैं ना? हाँ पहचानते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा तो... नमस्ते माँ जी। नमस्ते, कैसे अनुभव बेटा? मुझे लाखन ने भेजा माँ जी, राजू को लेने आओ, इसके माँ बाप का पता चल गया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। राजू राजू, क्या बेटा ये तुझे लेने आए हैं? नहीं, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। क्यों? इन्हें लाखन अंकल ने भेजा है, तेरे माँ बाप का पता चल गया है। चलो बेटा आ जाओ, कम ऑन। लखन भैया प्लीज जल्दी आइए। लखन भैया अच्छा हुआ आप आ गए, मोनल अपने आदमी को लेके तुम्हारे घर की तरफ गया है, वहां से बच्चे को लेकर वो जंगल की तरफ जाएगा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने मुझे कमीना। माया तुम डॉक्टर का इंतजाम करो, मैं घर जाता हूँ। ओके, बट प्लीज बी केयरफुल। ओके, बहुत तकलीफ हो रही है। मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। माँ, मोनल आया था? हाँ बेटा, वो राजू को लेके गया, तूने ही भेजा था ना? वो कहता था उसके माँ बाप मिल गए। हाँ हाँ मिल गए। Thank you.
साथ में बाजा साथ में बंदर ढूंढने निकले मस्त कलंदर। अरे हाथ में बाजा साथ में बंदर ढूंढने निकले मस्त कलंदर। आवाज दे इतना बता दे, आवाज दे इतना बता दे, है किस घर के अंदर। हाथ में बाजा हाँ हाथ में बाजा साथ में बंदर ढूंढने निकले मस्त कलंदर। हम जोगी बने हैं, भेष बदल कर ढोंगी बने हैं। दोस्त के रूप में दुश्मन देखे, सब थाली के बैंगन देखे। दोस्त के रूप में दुश्मन देखे, सब थाली के बैंगन देखे। यार मेरे चिंता मत कर तू, यार मेरे चिंता मत कर तू, ढूंढ लेंगे साथ समंदर साथ में बाजा। पुकार मेरे प्यारे सुन ले, गिरते हैं आज मारे मारे सुन ले। आके फंसे इंसानों में, अच्छे थे हैं वालों में। आके फंसे इंसानों में, अच्छे थे हैं वालों में। इंसानों की खींचा तानी, इंसानों की खींचा तानी, कोई है पोरस कोई सिकंदर। हाथ में बाजा अरे हाथ में बाजा साथ में बंदर ढूंढने निकले मस्त कलंदर। डंडे ने सर ढूंढ लिया है, बच के न जाने पाए दुश्मन। सबको पड़ेगी आज दनादन, बच के न जाने पाए दुश्मन। सबको पड़ेगी आज दनादन। आई मेरे दिलदार में आई, रोक के देखे सारे खुदाई। शेर मेरा ललकार रहा है, शेर मेरा ललकार रहा है, कांप रहे हैं सभी हाथ में बाजा।
बता मेरा बच्चा कहाँ है? बताता हूँ। कहाँ? सही है, इसको मालूम है। ए, उठ! हमारा बच्चा कहाँ है? बच्चा? कौन सा बच्चा? अरे वो छोटा बच्चा। वो आपका बच्चा है? हाँ, हमारा बच्चा है। वो तो लाखन के पास है। लाखन? कौन लाखन? वो प्रोफेसर ज्ञानचंद का बेटा, बच्चा उसके घर है। प्रोफेसर ज्ञानचंद? वो नक्शे वाले अंकल? आ मेरे साथ चलिए। कुछ समझ में नहीं आता। रिचर्ड साहब को बुलाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो। आइए। कौन चाहिए आपको? जी, हमें लाखन से मिलना है। आइए बैठिए। है उसे? उन्हीं से काम है। अच्छा। लखन? क्या बात है माँ? तुझे पास मिलने आए। तो वही है। मेरा बच्चा था। कौन सा बच्चा? अभी पता चल जाएगा। भगवान की दी हुई देन है। तुम्हारा वही भाई है जिसके बारे में मैं तुम्हें हमेशा कहा करती थी, जो जंगल में खो गया था। भैया, जीती रहो बेटी। भाई को भाई तो मिल गया, हमें हमारा बच्चा नहीं मिला अभी तक। वो लोग उसे यहाँ से ले गए। कहाँ? जरूर खजाने की तलाश में जंगल गए। तो हमें फौरन वहां जाना चाहिए। आओ। अच्छा माँ जी। तो इनके हाथ लग गया, लेकिन ये जाएंगे नहीं।
लाखन, तुम्हारी नजरें भी बदल गई, तुम भी इनसे मिल गए, हाँ? खजाना कहाँ है? मिल गया बॉस, जीप में है। हाँ, तो फिर चलो, खजाना लेकर शहर चले। चलत नाच